नमस्ते, आप सभी को मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पर सबकी नजर थी। पायलट ने पूरी प्लानिंग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर करप्शन के आरोप का सहारा लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरना चालू कर दिया था। स्पष्ट तौर पर ना सही, लेकिन पायलट ने बागी रुख अख्तियार कर ही लिया है। पायलट भले ही यही कहते हुए नजर आए कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, लेकिन बात यह भी सच है कि पायलट के इन दिनों उठाए गए सभी कदमों से पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गहलोत पर लगातार पायलट के सियासी वार के पलटवार का सभी को इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। पहले पायलट खेमा अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, और अब गहलोत खेमे के नेताओं ने भी पूरे जोश के साथ पायलट के खिलाफ रणनीति बनाना चालू कर दिया है। गहलोत की टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे बयान दिए जा रहे हैं। गहलोत की टीम ट्विटर पर एक्टिव है। पायलट पर सीधे बीजेपी से संबद्ध होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने बीजेपी का चश्मा पहना हुआ है और इसीलिए उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि देश भर में पेपर लीक मामले में दोषियों पर सबसे कठोर कानून बनाने वाला प्रदेश अगर कोई है तो वो राजस्थान है। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पेपर लीक पर सैकड़ों से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। पेपर लीक पर विशेष कानून और एसटीएफ बनाई गई है। पेपर लीक में लिप्त दोषी व्यक्तियों के घर और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं। और इसी के साथ में ये बात है कि सिर्फ ये बात ट्वीट तक ही नहीं है, बात ये भी है कि पायलट की जनसभा में राजेंद्र गुड़ा का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का अलाइनमेंट खराब हो चुका है और उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा कि गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा कि जिद पर अड़े गहलोत जी ने उनको उतार दिया जिन्होंने धक्का मारकर गाड़ी स्टार्ट की थी। सरकार के अलाइनमेंट तो शुरू से ही बिगड़ी हुई है और अब सवारियों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जिसे उतार दिया गया उसका गुस्सा, उनका दर्द दोनों समझे जा सकते हैं। यही नहीं, शेखावत ने एक बार फिर पायलट की तारीफ में लिखा कि राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक बड़ा समूह जिसकी मेहनत से सरकार आई थी, आज खुद ही अपनी सरकार को भ्रष्ट बता रहा है। इसके बाद चेतन डूडी ने शेखावत के ट्वीट को लेकर पायलट को निशाने पर लिया और लिखा कि राजस्थान में सबसे बड़ा संजीवनी घोटाला है जिसमें लाखों लोगों के घर लुट गए, लेकिन रैली में संजीवनी घोटाले के प्रमुख आरोपी का नाम तक नहीं लिया गया। और रैली के बाद प्रमुख आरोपी ने पायलट साहब की तारीफ में भी ट्वीट किया। यही रैली की सच्चाई है, क्योंकि दोस्ती तो मानेसर के समय से ही है। पायलट पर यह सीधा निशाना था। पायलट के जनसभा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। जोशी ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के मंत्री आपकी ही सरकार पर भारत की सबसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोज सरकार का आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में आपको अपने पद पर बने रहना चाहिए? अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के इस साल का चुनावी रण जमीनी स्तर के साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब लड़ा जा रहा है। राजस्थान में चल रही इस सियासी लड़ाई पर आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।